हुंडई वर्ना है हमारे साथ में 1.4 लीटर के साथ में, सॉरी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के लिए कृष्णा भैया हमारे साथ में हैं और ये आपको इस कार के गाड़ी के बारे में सारी डिटेल्स बताने जा रहे हैं। जैसे इस गाड़ी की मॉडल क्या है कृष्णा भैया? ये 2012 मॉडल की है ये गाड़ी। अच्छा अच्छा, मार्च का रजिस्ट्रेशन है इसका। अच्छा, 73,000 किलोमीटर चली हुई मात्र। जी जी, और ये टू, ये मतलब क्या पेट्रोल वेरिएंट है या डीजल वेरिएंट है? पेट्रोल है, 1.4 SX, 1.4 लीटर के इंजन के कारण इसका माइलेज काफी अच्छी है। अच्छा, में आपने देखा हुंडई वर्ना है हमारे साथ में 1.4 लीटर के साथ में, सॉरी बाकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के लिए कृष्णा भैया हमारे साथ में हैं और ये आपको इस कार के गाड़ी के बारे में सारी डिटेल्स बताने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कृष्णा भैया, कार चमत्कार में आपका भी स्वागत है। और जैसा कि आपके पास में ये गाड़ी थी, काफ़ी अच्छी कंडीशन में हमें जैसी दिखाई दे रही है और हमारे व्यूअर्स जो है काफ़ी एक्साइटेड है इस गाड़ी के बारे में जानने के लिए और काफ़ी मतलब इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, जैसे कितने किलोमीटर चली हुई है, कब की है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या प्राइस रखा है आपने इसके लिए। जैसे इस गाड़ी की मॉडल क्या है कृष्णा भैया? ये 2012 मॉडल की है ये गाड़ी। अच्छा अच्छा, मार्च का रजिस्ट्रेशन है इसका। अच्छा, 73,000 किलोमीटर चली हुई मात्र। जी जी, और ये टू, ये मतलब क्या पेट्रोल वेरिएंट है या डीजल वेरिएंट है? पेट्रोल है, 1.4 SX, 1.4 लीटर के इंजन के कारण इसका माइलेज काफी अच्छी है। अच्छा, जैसे कि हम लोग देख रहे थे 1.6 में माइलेज कम रहता है, 1.4 इंजन है, माइलेज काफी अच्छी। अच्छा, 1.6 में भी पेट्रोल में आती है, ये 1.4 में है, इसका क्या माइलेज होगा बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को? 15 से 16 का माइलेज, इतनी लग्जरी गाड़ी, इतनी बड़ी साइज वाली गाड़ी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसका नंबर जैसे हम लोग देख रहे थे कि ये नंबर काफी अट्रैक्शन लग रहा था जमशेदपुर के लिए, इसका स्पेशल पेमेंट किया गया अलग से, 9400। अच्छा, इसका अलग से पेमेंट किया गया है। जी जी, वही हम लोग देख रहे थे, इसकी नंबर काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। और वैसे इंटीरियर देखिए जी, वैसे ये गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है? ये 73,000 किलोमीटर चली है। अच्छा, 73,000 किलोमीटर ऑलरेडी ये चल चुकी है गाड़ी। इंटीरियर जी जी, इंटीरियर वैसे कितना, मतलब गाड़ी में कहीं कोई प्रॉब्लम क्यों, इसे सेल किया जा रहा है इसे? एक्चुअली ये गाड़ी नर्वेराम होंडा में है। जी जी, कस्टमर इस गाड़ी को सेल करके हमारे नई होंडा सिटी ले। अरे वाह, अच्छा न्यू होंडा सिटी लेकर के गए हैं और ये हुंडई वर्ना एक्सचेंज में देखे गए। ऐसा तो नहीं है कोई गराज में जाकर के इसमें कुछ काम हुआ हो? अच्छा, जो भी गाड़ी, इस गाड़ी की काम हुई है वो बाहर में हुई है या फिर सेंटर में? सारा रिकॉर्ड हम सर्विस सेंटर, ये मतलब फेयर डील हुंडई की आप बात कर रहे हैं? हुंडई के सर्विस सेंटर में जाएगा, सारा रिकॉर्ड मिलेगा आपको, सारा वहाँ पे रिकॉर्ड्स भी मिल जाएंगे। नहीं है मीटर फॉल्स, नहीं है, सारा कुछ ओरिजिनल है। जी, तो इसकी कृष्णा भैया आप पूरी गारंटी ले रहे हैं इन सब चीज़ों की यहाँ पे? सबसे अच्छी बात है कि अगर डीलर से अगर आप डायरेक्ट गाड़ी लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि आई थिंक कस्टमर अच्छा, रजिस्ट्रेशन डेट आपने जैसा एक बार रिपीट करना चाहेंगे? मार्च 5 मार्च जो बता रहे थे ना, 5 मार्च 2012।
कृष्णा भैया, हमारे व्यूअर्स जानते हैं, चाहते हैं कि जब भी वो गाड़ी खरीदते हैं पुराने, तो उनके टायर्स की कंडीशन बहुत ही बुरे होते हैं। चारों टायर न्यू रिप्लेस किए गए, चारों टायर। अच्छा, इसके चारों टायर्स न्यू किए गए। चलिए हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं आपको चारों टायर्स। चारों टायर ब्रांड न्यू है। ये पीछे का रियर टायर भी हो गया, लेफ्ट साइड वाला। चलिए हम लोग इसके चारों टायर्स दिखा देते हैं अपने व्यूअर्स को। जी बिल्कुल, ये भी एकदम नया टायर्स है। मतलब मैंने अभी कुछ पर्सनली खुद देख रहा हूँ, तो ये सारे टायर्स एकदम बिल्कुल के बिल्कुल न्यू है। ठीक है। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कृष्णा भैया, हम लोग इसका, हमारे व्यूअर्स अभी सबसे पहले जानना चाहते हैं, सब कुछ तो बता दिया लेकिन गाड़ी की प्राइस नहीं बताया अभी तक। गाड़ी की प्राइस 3,50,000 मात्र। और इसकी रजिस्ट्रेशन डेट अभी मतलब कितनी बाकी है? अभी 2027 तक चलेगी। सर्विस सेंटर के लिए तो कोई इशू नहीं है जमशेदपुर में। चलिए, तो प्राइस है इसकी फाइनल 3,50,000। और अगर हमारे यूट्यूब के चैनल के थ्रू आते हैं तो कुछ डिस्काउंट मिलेगा क्या उन्हें? बिल्कुल, आपका स्वागत है, आपका आइए। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे कार चमत्कार के वीडियोस देख करके आप कृष्णा भैया से अगर कॉन्टेक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स बिल्कुल मिलता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई जमशेदपुर में है और इस गाड़ी को लेना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना होगा? इन्हें कुछ नहीं, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड चाहिए होगा। अच्छा, दो फोटोग्राफ चाहिए होगा। नहीं, कहाँ कॉन्टेक्ट कहाँ करना होगा? नरवे राम होंडा में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखोगे, तो वहाँ पे भी आपको कुछ नंबर्स दिखाई देंगे, उस नंबर्स पे भी आप कॉल कर सकते हैं इसके बारे में अगर आपको जानना हो तो। गाड़ी काफ़ी अच्छी कंडीशन में आप देख सकते हैं, और इसे अगर आप बाय करना चाहते हैं, तो प्लीज़ जल्द से जल्द हमारे दिए हुए नंबर्स पे जल्द से जल्द आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें। और भी इस तरह की कई गाड़ियां हमारे पास में हैं, और भी अगर गाड़ियां आप देखना चाहें तो हमारे दिए गए नंबर्स पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर कृष्णा भैया से आप डायरेक्टली मिल सकते हैं नरवे राम होंडा में। ठीक है, चलिए, थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद।